मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरी। आज सिवान जिला के सहुली मोड़ पर शुरुआत भइल ह आईडी गोस्वामी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के। ई सहुली मोड़ जौन बा ई सिसवन सिवान मुख्य पथ पर बा जौन की हसनपुरा आ गोपालपुर के बीच में बा। यहाँ पर आईडी गोस्वामी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के शुरुआत भइल ह जौना में इलेक्ट्रो होम्योपैथ के कोर्सेज करावल जाई साथे इलेक्ट्रो होम्योपैथ के माध्यम से इलाज भी पहले से चलल आवता और आगे भी कइल जी। साथ ही ये मौका पर डॉक्टर्स डे भी मनावल गइल ह जौना में डॉक्टर्स डे पर केक काट के खुशी मनावल गइल ह। उद्घाटन जौन बा फीता काट के भइल ह। उद्घाटन करता रहनी ह डॉक्टर आर आर कस्तूरी मेडिकल ऑफिसर बनी सिवान सदर में और डॉक्टर्स डे मनावल गइल ह क्षेत्र के सबसे बुजुर्ग डॉक्टर डॉक्टर रामायण ठाकुर के द्वारा वहाँ के केक काट के और डॉक्टर्स डे मनैनी ह। ए मौका पर मौजूद रहनी ह पूर्व मुखिया सुभाष यादव वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि विकास कुमार पांडे सरपंच प्रतिनिधि राकेश तिवारी डॉक्टर एल एन तिवारी जौन की कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल बनी डॉक्टर रमेंद्र श्रीवास्तव डॉक्टर डी एन अमीर डॉक्टर ओम प्रकाश गिरी डॉक्टर कुमार गौरव देवेंद्र पांडे राजेश पांडे बनारसी प्रसाद माली कमल किशोर राम बीरेंद्र प्रसाद चौहान जौन की कॉलेज के सचिव बानी और धर्मेंद्र पर्वत इत्यादि सैकड़ों लोग मौजूद रहल ह। नमस्कार हम ईराना रवा देख रहल बनी मैच बॉक्स और आज बानी जा हमनी के सहुली में। ई सिसवन सिवान मुख्य पथ और गोपालपुर बाजार से पहले सहुली चट्टी पड़ेला सहुली मोड़ पर ही रउआ अगर दाहिना साइड में अगर सिवान से रुआ होता नहीं तो दाहिना साइड में अगर सिसवन के तरफ से आते हैं तो बायां साइड में ताकेम तो रउआ आई डी गोस्वामी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के बोर्ड दिखी। आज एकर इनोग्रेशन भइल आज एकर उद्घाटन भइल शुरुआत भइल चूँकि आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स डे पर एकर शुरुआत भइल बड़ा शुभ घड़ी बा कि डॉक्टर लोग मिल के और एगो डॉक्टर जहाँ पर तैयार हुई हैं जहाँ पर पढ़ी हैं वो संस्था के शुरुआत भइल जर शुरुआत भइल बा तो हम जाने के कोशिश करत रही कि आखिर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जौन बटे एमे पढ़ाई जौन हुई कौन कौन पढ़ाई हुई का सुविधा मिली। हमारे साथे अशोक कुमार गिरी जी बानी डॉक्टर साहब बानी। डॉक्टर साहब रुआ बताई कि एक शुरुआत करे के पीछे रुआ जैसे नाम दिले बानी आर डी गोस्वामी शायद राउर पिताजी हैं जी तो एक शुरुआत करे के पीछे का रुआ सबके सोच बा का सोच के साथ शुरुआत कर। सबसे तो पहले रुआ दर्शक लोग के हाथ जोड़ के प्रणाम करें। सोच ये बटे कि हमारे पिताजी के नाम हटे श्री राम आधार गिरी अब तो वहाँ के स्वर्गीय हो गए बनी। अब हमने के इच्छा रहे कि एगो पिताजी के नाम से एगो इलेक्ट्रो होम्योपैथ के कॉलेज चलावल जाओ जौना से जैसे बहुत लोग बा जो संपन्न लोग बा रुपया पैसा वाला लोग बा अपना बच्चन के बड़ा बड़ा कॉलेज में फी जमा करके या कंपटीशन पास करा के एडमिशन करा के डॉक्टर बना देता लेकिन बहुत ऐसा सुदूर देहात क्षेत्र बा या बहुत ऐसा गरीब लोग बा जेकर सपना बटे कि हमरो बेटा कहियो डॉक्टर हो जाए तो हमने के प्रयास रहे कि जौन बा ऐसा लोग हुई जो गरीब तबका के लोग हुई कमजोर वर्ग के लोग हुई ओकरा के अपने के यहाँ एडमिशन लेम सन ओकरो के पढ़ा के डॉक्टर बनाएम सन ओकरो माता पिता के सपना के साकार करम सन। अभी कोर्सेज के अगर बात की जाओ तो हम देखते नहीं चार गो कोर्स के बोर्ड पर नाम बटे तो एक बारे में थोड़ा सा बताएं कि का बा कैसे बटे। जैसे अभी जौन एगो बा ओमे एम बी ई एच कोर्स बटे तो एम बी ई एच कोर्स जौन बा मैट्रिक पर हुई तीन साल के ओकर कोर्स बा ओकरा बाद एगो बटे चौथा एक बी ई एम एस उ चार साल के कोर्स बा इंटरमीडिएट पर हुई जी ओकरा बाद एम डी बटे तो एम डी भी जो करे के चाहिए वो एक साल में ओकर एम डी कम्प्लीट हुई बी ई एम एस कैला के बाद जी तो ये सारा कुछ यही जैसे जी सारा कुछ यही जैसे हुई जी सारा कुछ यही जैसे हुई यही जी पढ़ाई हुई यही जी एग्जाम हुई मतलब पढ़ाई थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल सारा कुछ के सुविधा जी, जी सारा कुछ के सुविधा जैसे मान ली कि अगर हमने के कोनो बड़ा कॉलेज में जाते हैं चाहे होम्योपैथ से पढ़ाई करी चाहे आयुर्वेद से करी या चाहे एम बी बी एस कर जाओ एम डी कर जाओ तो उनमें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के व्यवस्था रहेगा तो रउआ लोग भी कहीं ट्रेनिंग देवे के व्यवस्था निश्चित रूप से हमने के भी जौन बा छः महीना के इंटर्नशिप बा ओकरा के ट्रेनिंग के व्यवस्था जी तो ऑलरेडी पहले से हॉस्पिटल बा हॉस्पिटल में चलेला बच्चा लोग के भी ओकरा खातिर ट्रेंड कर जाए ट्रेनिंग दिया जाए कि बच्चा हमरा के ऐसे निकल के जा सन तो कहीं ना कहीं बाजार में सॉरी स्टूडेंट जे ही जाओ बाजार में कहीं प्रैक्टिस करे और डॉक्टर बने वो जाके लोग के सेवा करे।
बिल्कुल यहाँ पर प्रिंसिपल डॉक्टर एनएल गिरी जी बानी, यहाँ से हम बातचीत करे कोशिश करते नहीं। सर एगो सवाल बा, महत्वपूर्ण सवाल बाटे, चूँकि इलेक्ट्रो होम्योपैथ के लेकर के अभी भी लोग के मन में थोड़ा सा संशय रहेला कि मान्यता बा नहीं खे, इलाज होई तो कैसे होई, का कर ला लो, कौन दवाई खियावे ला लो, बाजार में दवाई मिलेला कि ना मिलेला, इस तरह के मतलब अभी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ के लेके दिमाग में चलता। काहे कि अपना यहाँ लोग देखता कि आयुर्वेदिक कॉलेज से पढ़ाई करी, अंग्रेजी के दवा दिया जाला, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ भी कहीं वैसा नहीं है ना? ना, इस तरह की बात नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ की दवा हर जगह अवेलेबल है, पटना, सीवान, गोपालगंज, लोकल क्षेत्र में भी अवेलेबल है, और इसका दवा जो है कारगर है, अच्छी है, और ये नहीं है कि मैंने भुलावना है। दवा जो भी है इसकी ओरिजिनल दवा मिलती है, पटना से मिलती है, फॉरेन से ऐसी जर्मन से मंगाया जाता है, जर्मन जो भी इसमें है तो जर्मन से एनर्जी ना मंगाते हैं औषधि, और उनसे हम लोग भी मंगा लेते हैं। कॉलेज खुल गया से आसपास के जो भी नौजवान बटे, युवा युवती बटे, जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ में अपन भविष्य बनावे चाहता, ओकरा के रुआ का मैसेज देवे के चाह, ओकरा के यही मैसेज दिया जा सकता है कि वो अपना भविष्य खातिर कम खर्चा में परिश्रम के बल पर वो डॉक्टर बन सकता, अपना रोजी रोटी जीविका जो उनका चला सकता। ऐसे ही 25 चिकित्सा पति के रूप में एक मान्यता मिले जा रहा बा, लेकिन अभी भी प्रैक्टिस करे के सुविधा बा, आप भारत में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ दिन में ही एक बहुत ज्यादा केस वगैरह सुप्रीम कोर्ट में भी फाइट बा, पांचवा चिकित्सा पति के रूप में एक मान्यता मिले जा रहा बा, कुछ गवर्नमेंट बाड़ी से बा राजस्थान वगैरह जो इसको आयुष में डाल दी है, आयुष में मान्यता मिल चुकल बा कुछ गवर्नमेंट। कवि जी बानी, कवि जी हम देखनी है कि कवि जी काफी एक्टिव बानी एक आज उद्घाटन सत्र में। कवि जी लोग के क्या कहे के चाहे कॉलेज के बारे में? हम कॉलेज के बारे में ही कहे के चाहे कि एगो तो हमने के इलाका गरीब गुरबा लोग के बा, तो सस्ता निदान मिल जाए लोग के, आ यदि लोग चाहता कि हमहू डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर के पैसा सम्मानित पैसा बा, रिजनेबल पोस्ट बा, हर समाज में एक बढ़िया लोग बढ़िया नज़र से देखेला, तो एहू पैथी में जितना बीमारी के पढ़ाई और पैथी में बा उतने पढ़ाई एहू में बा, रुआ बुझत होखी जे रुआ कहत होखी कि लोग कहता कि एक बारे में हई हो सोचत, ना लोग गलती सोचता, पढ़ाई करे वाला लोग नहीं खे चाहत, पढ़ी तब देखी एक और मजा। रुआ एगो और बात कहनी है कि आयुर्वेद के पढ़ के एथी अंग्रेजी दवा देता लोग, उ लोग डॉक्टर लोग थोड़े देता, मरी जाता कहता कि जल्दी आराम करी, जल्दी आराम करी, अब गए ठीक कर दी तो का करी हैं, डॉक्टर के देवे के बाद ओकरा सुई देवे के बाद आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करी तो जन्म भर खातिर ओकर रोग खत्म हो जाए। आ एलोपैथी से भले उ टैबलेट खाई ओकरा बदला में एगो दोसर बीमारी उपटाई, उ मंजूर बा, तो एकर कारण बा, एकर कारण ई बा कि आदमी गरीब बा, आ सरकार के मेडिकल सप्लीमेंट जौन बा उ सोरे आना गलती बा। दूसरा देश में दूसरा स्टेट में जाई तो जगह 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 एकदम गाँवे गाँवे मेडिकल सप्लीमेंट बा, एजा नहीं खे, वो कमी के इलेक्ट्रो होम्योपैथ पूरा करी। ई बात समझ ऐसा नहीं खे कि लोग पढ़ी ना आया इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर हो जाए तो पिटाई, पढ़ी लो तो बढ़िया डॉक्टर हो लो। एगो बात जानी, एक एहू में मेटेरिया मेडिका बा, एहू में एनाटॉमी बा, एहू में फिजियोलॉजी बा, जौन MBBS के मॉडर्न पैथी में पढ़े के बा उतने एहू में पढ़े के बा, रोगवा सगरी एहू में पढ़े के बा, दवाई जौन बा दोसर बा, उ दवाई दी तो हेने दवाई दी तो एगो होने रोग हुई, ई दवाई दी तो रोग समाप्ति की ओर जाए। ये तो बात भाई, यही खातिर तो हमने के खोल ले बानी सन, आगे बोली। चलिए, प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ बानी। सर थोड़ा सा इलेक्ट्रो होम्योपैथ के दवा के बारे में बताएं कि दवा जौन बाटे पैथी के दवा जौन बा मरीज पर या कोनो भी रोग पर कैसे काम करेला? देखिए ये पैथी के दवा जौन बा बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि होम्योपैथ और पैथी में जौन बात बा वो तरह के नहीं है, इसमें ओरिजिनल मेडिसिन मात्र 38 यानी 38 गो बा, और जितना ये मेडिसिन बा वो बॉडी के ऑर्गेन और सिस्टम विशेष पर काम करेला,
ओमे जो बीमारी होला वो कितना निगेटिव बीमारी होला कितना पॉजिटिव बीमारी होला वही आधार पर दवा का सिलेक्शन कर जला और बीमारी के स्थिति जो बा न्यूट्रल के तरफ आ करके बिल्कुल ठीक हो जाला। हुआ इलेक्ट्रो होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यहाँ सुपौली जैसा मतलब सहुली जैसा जगह पर ग्रामीण क्षेत्र हवे, चूँकि शहर में देखते जाए तो सिवान में पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रो होम्योपैथ के कॉलेज चल रहा बटे, तो ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर क्षेत्र में इस तरह के सुविधा दिहल जा रहा बा ताकि बार बार जिक्र होता कि जे निचला तबका के लोग बा गरीब लोग बा उ लोग भी डॉक्टर बन सकता या आसानी से इलाज करा सकता, तो रहुआ लोग से का कहे के चाहे ये पैथी के माध्यम से हम तो ये कहे चाहते नहीं कि कम खर्च में मेडिकल डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त कर सकते नहीं और चिकित्सीय कार्य में जन बातन लग सकते नहीं और रह गई बात एक रिकोगनाइजेशन के, तो ये पैथी अभी रिकोगनाइज नहीं है पर आर्थराइज बा, कानूनी संरक्षण एक प्राप्त बा, कानूनी तौर से एक प्रैक्टिस में कोनो भी तरह के रोक नहीं है, कहीं से भी कोनो दिक्कत होखे वाला नहीं है, प्रैक्टिस कहीं भी देश के कोनो भी स्टेट में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रैक्टिस कर जा सकता, बस कमी बा कुछ ऐसा डॉक्टर लोग बा जोन काली सर्टिफिकेट लेके ही जन बा आउट हो जाता, नॉलेज कौन और पैथी के बा आ सर्टिफिकेट इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बा, तो ये स्थिति में दिक्कत बा और यह लोग जन बात इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के बाधक बा, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल इंस्टीट्यूट के जाना का शुभारम्भ रहा एमे जन बात ओ तरह कौनो बात नहीं है, एमे पूर्ण रूप से स्टूडेंट के एजुकेटेड करके ही सर्टिफिकेट प्रदान करे के कार्य कल जाए और एमे जौन भी बा जौन मेडिकल कोर्स में जौन सब्जेक्ट बा उस सब्जेक्ट जौन बात पूर्ण रूप से पढ़ावल जाए और स्टूडेंट के एजुकेटेड कर जाए। चलिए देखिए तो आज यहाँ पर आरडी गोस्वामी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के शुरुआत भइल है सहुली मोड़ हटे और रउआ यहाँ पर आके अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथ में अपन करियर बनावे के चाहतनी या इलाज करवावे के चाहतनी तो रउआ यहाँ आके संपर्क कर सकतनी। विस्तृत जानकारी खातिर रउआ के एड्रेस और फोन नंबर हम स्क्रीन पर दिखा दिल रही कि स्क्रीन पर रउआ देख ली चल रहा बा, रउआ आवे के होई अगर रउआ सिसवन सिवान रोड में सिसवन के तरफ से आवतनी तो सहुली मोड़ पर बाएँ तरफ और सिवान के तरफ से आवतनी तो दाएँ तरफ आरडी गोस्वामी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बोर्ड लगल बा, यहाँ पर आई एडमिशन लेके बाद एक बार आके विजिट करी समझी जानी कि आखिर इलेक्ट्रो होम्योपैथ का हो हमरा कहला से ना बल्कि यहाँ आके जे भी उपलब्ध रहे डॉक्टर साहब उपलब्ध रहें तो डॉक्टर साहब से बातचीत करके और वह सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वह नामांकन करवाई। अंत में का अपील करें? अंत में अपील ये काम करो वह सब मदद कर लो एक प्रचार प्रसार कर लो कि संस्था बढ़ो आ ये क्षेत्र के बच्चा जकर सपना बटे कि हमारे बच्चा डॉक्टर बनो ओकरा के हमने के पढ़ाई में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहे मैच बॉक्स और ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा फैला दी थोड़ा सा कि जे भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ से जुड़े के चाहता ओकरा ऐसे लाभ मिलो।